जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जय श्री कृष्णा। तुलसी की लकड़ी यानी तुलसी का पौधा अगर महिलाएं इस जगह रखेंगी तो उनके सभी कार्य सफल होने लगेंगे। आज का विषय यही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अच्छा लगे तो आप अपने शुभ चिंतकों को भी शेयर करें। तो ये हमारा आप देख रहे हैं पूजा रूम है और वहाँ पे पूजा रूम में हमने एक तुलसी का नया पौधा रखा है। जो कार्तिक में पूजा पाठ करते हैं वो लोग तुलसी का विशेष नया तरीके से नया तुलसी का पौधा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और देवउठान एकादशी जी तुलसी विवाह होती है उस दिन हम इस तुलसी को मंदिर में दान कर देते हैं। तुलसी का दान मंदिर में देना बहुत ही शुभ फल प्राप्त करवाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसमें कमेंट कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो। और इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हमें तुलसी का पत्ता कब तोड़ना चाहिए, किन परिस्थितियों में हम तोड़ सकते हैं और किन परिस्थितियों में हम नहीं भी तोड़ सकते हैं। जाने अनजाने में आपको कुछ पता भी होगा मगर डिटेल में जो बुक्स में लिखा हुआ वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, वो भी आप तुलसी की लकड़ी हम इस जगह रख देंगे तो घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। और किस तरीके से लक्ष्मी की सही से देखभाल करने से नारायण प्रसन्न होते हैं, तो जहाँ नारायण की प्रसन्नता का हम कार्य करते हैं वहीं पे हमारे यहाँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। तो और कार्तिक महात्म में अगर कार्तिक का जो पूजा कर रहा है तो वो लोग जान रहे होंगे कि कार्तिक में जो हम पूजा पाठ करते हैं सब हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और तृतीय अध्याय में आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मी की पूजा ये मधुमालती के फूलों से की जाती है। तो कोशिश करें कि ये फूल आपको जहाँ कहीं भी मिले तो आप पूरे कार्तिक भर आप तुलसी जी को चढ़ाइए, लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। ये इतना ही फल प्राप्त करवाता है जितना कि कमल का फूल। तो आपके पास एक कमल का फूल नहीं मिल सकता है मगर मधुमालती का फूल आपको इतने मात्रे में मिल सकते हैं। पहले मेरे पड़ोस में था तो मैं चुरा चुरा कर चढ़ा देती थी, अब मैंने खुद लगा लिया और बहुत बड़े प्लांट्स हो गए मेरे तो मैं ये चढ़ाती हूँ। मगर ये ध्यान रखें कि इस फूल को हमें केवल लक्ष्मी को ही चढ़ाना है, ये फूल हम विष्णु भगवान की पूजा में नहीं चढ़ाते हैं। विष्णु भगवान की पूजा हम आंवले के पत्तों से करेंगे और लक्ष्मी की पूजा मधुमालती के फूलों से करेंगे। और चलते हैं कि तुलसी में क्या कब चढ़ाना चाहिए और तुलसी का पत्ता किन परिस्थितियों में हम तोड़ सकते हैं, चाहे रविवार हो चाहे अमावस्या हो हम उस दिन भी पत्ते को तोड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके शुभ चिंतक हो आपके वेल विशर हो उनको आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी जान सके कि कार्तिक महात्म में यानी कार्तिक के महीने में किस तरीके से तुलसी को मनाकर विष्णु को मनाकर हम धन संपत्ति की मालकिन बनेंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये पूजा पाठ एक दिन में नहीं होता है, इसको हमें साधना पड़ता है, तब करना पड़ता है, तब हमारा इस रिजल्ट होता है। बहुत लोगों का कमेंट होता था कि बहुत कुछ हमने कर लिया कुछ भी नहीं मिलता है, जो ईश्वर ने लिखा है तो वही होता है। वो तो ठीक ही है, राम जी श्याम जी धरती पर आए वो लोग भी दुख को भोगे, जो शरीर पाएगा वो तो दुख भोगेगा लेकिन प्रभु की कृपा होगी जहाँ पे तो वहीं पे हम सभी उस दुख से निकल सकते हैं, उसको सहने की भगवान हमें शक्ति भी देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तुलसी की क्या है, किन परिस्थितियों में हम तुलसी को हम तोड़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा। पहली कि तुलसी के हम कहाँ रखेंगे जिससे हमारे सारे काम बनने लग जाएंगे। तो तुलसी को हमें भगवान के यानी अपने जो हमारा घर में मंदिर हो वहाँ पे एक छोटा प्लांट्स जरूर रखना चाहिए। हमारे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा, बार बार मैं कह रही थी कि छोटा प्लांट्स आप तैयार कर लें क्योंकि कार्तिक आने वाली है। तो हमने तो तैयार कर लिया था तो हमने अपने मंदिर में रखा है। तथा बहुत सारा तुलसी भी लगाना चाहिए, कुछ वैद्य के हिसाब से यानी दवा में आपके काम है तथा माला बनाने में काम है, क्योंकि जो तुलसी का हम पूजा करते हैं उसको तो नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा वाली तुलसी में से तुलसी का पत्ता तोड़कर भगवान को नहीं चढ़ाएं, आप अलग से तुलसी का पौधा लगाएं जिसमें से तोड़कर आप भगवान को आप चढ़ाएं। दूसरा चीज़ है कि तुलसी दल का तोड़ने का उपयुक्त समय कौन सा है। तो ये बुक्स है
कार्तिक महात्म की ही बुक है पुरानी, तो उसमें ये लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो तुलसी दल की पत्तियां जब भी तोड़नी हो उसके लिए व्यतीत पात इन दो योगों में यानी मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, इन तीन वारों में तथा द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन तीन तिथियों में सक्राति और जन्म मरण छूतक यानी तुलसी दल तोड़ना मना होता है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते थे कि रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं, लेकिन इस कार्तिक महात्म में पाया गया है कि शुक्रवार को भी, मंगलवार को भी तुलसी का पत्ता हमें नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं पर सक्राति अमावस्या के द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अतः निषेध समय में भी तुलसी के वृक्ष से जो स्वयं गिरी हुई पत्तियां होती हैं वो पूजा में हम ले सकते हैं, अथवा पहले दिन की पवित्र स्थान पर तोड़ कर रखी हुई, या तो एक दिन पहले आप तोड़ लीजिए रखी हुई तुलसी, आप भगवान की पूजा उसे आप कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता बासी नहीं होता है, वो चार चीज़ें होती हैं जो बासी नहीं होती, गंगा जल, तुलसी का पत्ता, कमल का फूल पाँच दिनों तक और बेलपत्र कभी बासी नहीं होता। कभी बासी नहीं होने वाले चीज़ है तुलसी, गंगा जल और बेलपत्र तथा कमल का फूल है, वो पाँच दिन तक आप भगवान पर, लक्ष्मी पर, चाहे नारायण पर या शिव पर, आप पाँच दिन तक उनको आप छोड़ सकते हैं। वहीं पर शालिग्राम की पूजा के लिए वर्जित तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है, बिना स्नान और जूता पहनकर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। मेरा ये वीडियो इसीलिए बनाना था क्योंकि तुलसी को हम केवल ये जानते हैं कि तुलसी हमें इस दिन बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। आप एक बात समझिए, अगर आपको आपके पति की ज़रूरत है तो क्या आप बोलोगे कि नहीं जी हम तो आज पूजा कर रहे हैं, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। तो तुलसी माता स्वतः नारायण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, तो हम उनकी पूजा यानी शालिग्राम की पूजा के लिए, सत्यनारायण व्रत की कथा पूजा के लिए हम तुलसी का पत्ता वर्जित समय में भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ, आप नहीं कह रहे हो, ये हमारी ग्रंथ कह रही है, यानी कि जो विष्णु पुराण का बुक है उसमें आपके कार्तिक खंड का जो आता है चैप्टर कार्तिक का, उसमें पाया गया था, उसी के हिस्से निकाल कर कार्तिक महात्म बनाया गया है। जिस तरीके से रामायण एक बुक होता है और उसमें से आपको हनुमान चालीसा भी निकलते हैं, सुंदरकांड भी निकलते हैं, उसी तरीके से कार्तिक महात्म भी निकला हुआ है विष्णु पुराण के पुस्तक से। तो आप ध्यान रखें कि आप इन तिथियों में न तोड़े, अगर तोड़ना भी पड़े तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, आपको मैं नारायण की सेवा हेतु ले चल रही हूँ, आप चलिए। इस तरीके से आप कहकर तुलसी को, पत्ते को तोड़ भी सकते हैं और शालिग्राम को चढ़ा भी सकते हैं। और इन मंत्रों को बोलकर तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइम तोड़ रहे हों। ओम सुभद्राय नमः, इस मंत्र को तोड़कर ही तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए, तीन बार ताली बजाना चाहिए। आशा करते हैं कि तुलसी दल तोड़ने की जो क्रिया है वो आपको अच्छी लगी हुई होगी, जानकारी समझ में आया होगा। औरों को भी शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ है। कार्तिक का महीना चल रहा है, सभी लोग तुलसी की पूजा करते हैं, और आप भी अपने घर में एक छोटा तुलसी का गमला आप अपने मंदिर में रखें, उसको धूप में भी दिखाएं, फिर मंदिर में भी रखें, इस तरीके से पूरे कार्तिक भर उसका सेवा करें और ठाकुर जी के समीप में लक्ष्मी को रखें। निसंदेह लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर भी होगी, और भगवान करे कि हम सभी के ऊपर जो जो ये चीज़ सुन रहा है, हम सभी के घर में लक्ष्मी नारायण की कृपा विशेष बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, तब तक दे विदा मुझे, मैं शिप्रा।